फैमिली वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूं मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल कमर्शियल लेवल की रेसिपी। आज हम मसारा किचन में बनाएंगे बेकरी वाली आइस पेस्ट्री। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उसको बेक करेंगे यहाँ पतीले में। पतीले को जो है मैंने प्री हीट करके रख दिया है चूल्हे पर। चलिए फिर जल्दी जल्दी से बनाते हैं, बिल्कुल आज हम घर में ही बनाएंगे बेकरी। जितनी पेस्ट्री बनाऊंगी उसकी मेजरमेंट से बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिए हैं। अंडों की जर्दी और सफेदी को हम करेंगे अलग। यहां से पहले जर्दी को जो है मैं करूंगी फूल। मैंने इसको बिल्कुल स्नो बना लिया, ये देखें ऊपर की चीज ऊपर ही है, नीचे कुछ नहीं गिर रहा है, एकदम ये स्टक हो गया बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल ये हालत है इसकी। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो 3 जर्दियां मैंने अलग करके इसी अंडे की रखी थी वो ऐड करूंगी, और इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मिक्स करूंगी ताकि ये एक क्रीमी टेक्सचर हो जाए। ये देखें मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो है ले ली है 100 ग्राम चीनी। ये देखें मैंने निशान भी कप में लगाया हुआ है। आधी प्याली 100 ग्राम शुगर बनती है, ये मैंने दाने वाली ली है रेगुलर शुगर, ये ऐड कर दी बस। अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस, ये 4 से 5 कतरे इसमें चले गए। और मैं इसमें क्योंकि मुझे जो है आइस पेस्ट्री बिल्कुल बेकरी वाली बनानी है तो मैं इसमें लाइट सा पिंक कलर चाह रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रेड फूड कलर है वो मैं ऐड कर रही हूँ, वो भी 1/4 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास नहीं आप ना ऐड करें, मर्जी आपकी, मुझे इसको बिल्कुल बेकरी स्टाइल देना है तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको इतना बीट करूँगी ताकि ये फूल जाएगा। मैंने इसको फोम कर लिया है। अब मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करूंगी, यहाँ पे मशीन ऑन रहेगी इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मैं आपको पहले वो चीज़ दिखाती हूँ, आपने देखना है फिर आपको बताती हूँ। ये आपने देख लिया होगा ये जो लाइन बननी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब हमारे केक का जो बैटर है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे बीटर का काम, इसकी एक परफेक्ट सी जो है वो ट्रिक है। बीटर का काम ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो मतलब फूल गया ये अच्छी तरीके से रेडी हो गया। अभी यहाँ पे इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने इसी प्याली से लिया है 1 प्याली मैदा, यहाँ तक 1 प्याली मैदा मतलब कि 100 ग्राम मैदा। इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये ऐड हो गया। मैदे को मैंने अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा बहुत ही परफेक्टली इसको मैंने छान लिया था, इसको जो है मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है, इसको मैं 3 पार्ट में एग के बैटर में ऐड करती जाऊँगी और इसको स्पैचुला से मिक्स करूँगी। ये मैंने 1 पार्ट लिया क्योंकि इसमें बटर नहीं है, ऑयल नहीं है, तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, तो इसीलिए हमें ये वाला स्टेप करना है कि इसको 3 दफ़ा करके और स्लोली हैंड से पेशेंटली इसको करना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है इस तरीके से, एक दफ़ा नहीं डालना है। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखिए, और इसकी एयर भी नहीं निकली। देखिए बैटर फुला फुला सा है, ये देख लें सही है, बस इसकी एयर नहीं निकाली। इसको एक ही डायरेक्शन में इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये वाला मोड़ है पाउंड केक का, इसमें मैंने ग्रीस कर दिया है और इसमें जो है मैं अपना ये जो केक का मेरा बैटर है इसको मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर देती हूँ। केक का जो बैटर होता है इसको टैप टैप नहीं करना होता है, इसको सेटल करना होता है, तो इसकी एयर नहीं निकलनी है। वुडन स्टिकली सिंपल इस तरीके से बस इसको सेट करना है ताकि इसकी जो भी अंदर मतलब एयर वगैरह वो निकल जाए और हमारा बैटर जो है वो परफेक्टली जो है मोल्ड में सेटल हो जाए। चलिए इसको सेटल कर लेते, एकदम इसको इक्वल कर लिया गया, नहीं तो फिर ये पैन में बड़ा इशू करता है, फिर ये उठने नहीं देगा इसको। तो इसको इक्वल यहाँ से देखें मैंने हर तरफ से मोल्ड को, और यहाँ पे लगा हुआ इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ये देखें सिंपल इसको बैठा देना है, और अब जो है मैंने यहाँ पे पतीले को प्री हीट करके रख दिया था उसमें इसको रखते हैं। इस तरह करके रखना है, इस सिंपल नमक डाल के और स्टैंड रख के इसको कर दिया मैंने ईजी वे में, केक का मोल्ड रख दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और स्लो मीडियम हीट पर इसको मैं यहाँ पर बेक होने दूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये कितने टाइम में बेक हुआ है। यहाँ पे अच्छी तरीके से परफेक्टली जो है ना वो स्पंज बेक हो चुका है, मैं भी आपको अभी चेक करा देती हूँ। ये वुडन स्टिक ली, इसको इसमें डाल के देख लेते हैं भाई। हाँ जी ये देखें
बिल्कुल क्लीन निकल गई। तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर इसको निकालते हैं। स्पंज ठंडा हो चुका है और अभी जो है मैं इसको निकालती हूँ यहाँ। ये देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट, मतलब परफेक्टली जो बेक हुआ है। निकालते हैं, ये देखिए कितना जबरदस्त हो गया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट्री बनाने के लिए, तो उसको क्या करना है कि फिनिशिंग तो खैर हुई हुई है, तो हम इसको जो है दो पीसेस में कर लेते हैं। इस तरीके से रखें और सिंपल सेंटर से इसको टू पीसेस में कर लेते हैं। मैंने इसमें मिल्क सिरप बना के रखा हुआ है, बोथ स्पंज में लगा दें। अब यहाँ पे मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम। कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, किस कंपनी की यूज़ करती हूँ, किस तरीके से व्हिपिंग करनी है, सारी चीज़ें जो है मसारा किचन के ही चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम आपको दे देंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए और किस तरह ऑर्डर करके आपको घर में ये क्रीम्स मिल जाएंगी आसानी से होम डिलीवरी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी। मेरे पास ये सिंपल वाला कार्ड है जो कि लोगों का होता है, बस आज मैं इसी को इस्तेमाल करी। मेरे पास किसी यू कंपनी का कार्ड है उनका, यू कंपनी वालों का, तो आज मैं इसी से करके आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। देखिए इसको बैलेंस कर दिया, इतनी क्रीम जो है इसको हमने इसमें वापस कर दिया और आज मैं इसी कार्ड से जो है अपनी तमाम जो केक को रेडी करने वाली हूँ। सेकेंड पार्ट इसके ऊपर लगा दिया और अब इसको कर लेती हूँ मैं यहाँ सेंटर में और इसको जो है अब मैं इसमें फ्रॉस्टिंग करूँगी क्रीम की। मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ना लेवल कर लिया है क्रीम लगा के। अब यहाँ पे मैंने ये कुकिंग चॉकलेट है इसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, इसको जो है पूरे में अच्छे से मैं स्प्रेड कर देती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 आवर के लिए ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए, उसके बाद इसकी पेस्ट्री कट करूंगी। रेडी करती हूँ, डन करती हूँ। चलिए जी इसको जो है निकाल लेते हैं पेस्ट्री को और छोटी सी चली जो चलते हैं उसको मैं डन कर लेती हूँ। अब इसको काटते हैं, कितनी यमी, वाह। चलिए जी ये देखें कितनी जबरदस्त हमारी पेस्ट्री जो है तैयार हुई है, अब हम इसको खाएं। ये देखें मेरा पार्ट तो इतना ही होता है, टेस्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर आप जानते हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।